हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का टेक्निकल A1 सपोर्ट पे। चार्जेबल फाइन है, इसमें प्रॉब्लम है कि ये चल नहीं रहा है। इसको हम खोल करके आज रिपेयर करने जा रहे हैं। आप लोग भी इस वीडियो को देखिए और अपने घरों में चार्जेबल फाइन हो या चाहे कोई भी फाइन हो, अपने घर में ही रिपेयर कीजिए। देखिए, ये चार्जेबल बैटरी है, इसको हम हटा रहे हैं और हटाने के बाद आप लोगों को दिखा रहे हैं ये कितना वोल्ट का है। 3 वोल्ट का, इसमें 3.1 वोल्ट का लगता है। इसको हम खोल रहे हैं, खोलने के बाद आप लोगों को हम दिखाएंगे जी इसको हम किस तरह खोलें और किस तरह इसको रिपेयर करेंगे। आप लोग भी इसको देखिए और रिपेयर कीजिए। ये गर्मी का सीजन आ रहा है, इसीलिए ये फाइन का वीडियो हम बना रहे हैं। आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो हमको कहिए, जो वीडियो हम बना करके आप लोगों के लिए रख सकें यूट्यूब पे। इसको हम खोल रहे हैं, जब तक आप वीडियो देखिए किस तरह खोलें। ये हमारा खुल चुका है। खुलने के बाद इसमें 2 बोर्ड लगा हुआ है, एक चार्जेबल बोर्ड है और एक जो है जो स्विच का बोर्ड है, जो DC बोर्ड बोलते हैं, और एक चार्जेबल बोर्ड है। इसको हम रिपेयर करके आप लोगों को दिखाएंगे। देखिए, ये 2 पॉइंट जो तार का गया हुआ है, ये बैटरी का है, ये सबको हम हटा देते हैं। एक लाइट का है, एक बैटरी का है, एक फैन का है। और देखिए, ये जो केबल लगा हुआ है, ये लाइट का केबल है, इसमें लाइट भी है। इसको हम रिपेयर करके दिखाएंगे। देखिए, इसके बोर्ड में क्या प्रॉब्लम है, इसके बोर्ड को हम खोलने जा रहे हैं। देखिए, इसके बोर्ड को हम खोल चुके हैं और खोलने के बाद हम इसको चेक कर रहे हैं। चेक करने के बाद पता चल जाएगा जो इसमें क्या खराबी है, क्या प्रॉब्लम है। देखिए, यहाँ सप्लाई नहीं दे रहा है। देखिए, यहाँ सप्लाई दिया और सप्लाई देने के बाद हम पता लगा लेंगे जो इसमें क्या प्रॉब्लम है। देखिए, इसमें चार्जेबल का प्रॉब्लम है, जो रिसोल्ड करेंगे हम तो पता चल जाएगा, ठीक हो जाएगा रिसोल्ड करने से। और उसके बाद चार्जेबल बोर्ड भी हम खोलेंगे। देखिए, ये स्विच वाला बोर्ड है, जो फैन का स्विच इसमें लगा हुआ है, लाइट का भी स्विच है। इसको हम रिसोल्ड कर रहे हैं। ये क्या होता है, कभी कभी ज़मीन पे गिरने से, पटका गिरने से भी ड्राई हो जाता है, जिसको हम रिसोल्ड आज करने जा रहे हैं। देखिए, रिसोल्ड कर दिए हैं। रिसोल्ड करने के बाद इसको हम फिर से लगा देंगे। देखिए, स्विच वाले बोर्ड को हम लगा चुके हैं और चार्जेबल बोर्ड को हम निकाल रहे हैं। इसमें जो चार्ज
लगता है। एक तो आप सोलर से भी इसको चार्ज कर सकते हैं, जो डायरेक्ट 12 वोल्ट इसमें आ सकता है और चार्ज हो जाएगा। जब लाइट न हो तो आप सोलर से भी इसको छोटा वाला सोलर से चार्ज कर सकते हैं। वही हम दिखा रहे हैं और देखिए इसको हम चेक कर रहे हैं जो इसमें वोल्ट है या नहीं, इसका सप्लाई सही दे रहा है या नहीं दे रहा है। तो हमारा सप्लाई इसमें सही दे रहा है। सही देने के बाद भी एक जो चार्ज का पिन है उस पर रिसोल्ड करेंगे, वो चार्ज का पिन भी उखड़ा हुआ है जिसकी वजह से यह चार्ज हो नहीं रहा है, उसके पिन को हम रिसोल्ड कर देंगे। पहले चेक करने के बाद देखिए यही पिन है, चार्जेबल पिन है। और ये ब्लैक वाला पिन जो आप देख रहे हैं वो सोलर से जो करंट आता है उसका पिन है, जो सोलर से चार्ज कीजिएगा डायरेक्ट 12 वोल्ट का वो पिन है। इसको हम रिसोल्ड कर दिए और रिसोल्ड करने के बाद इसको हम लगा देंगे। लगाने के बाद आप लोगों को हम पूरे दिखाएंगे, आप लोग भी अपने घर में इसी तरह ठीक कर सकते हैं वीडियो देख देख कर। देखिए इसका केबल हम लगा रहे हैं, इसके केबल को देख करके लगाएंगे। इसके पीसी बोर्ड पे लिखा होगा जो फैन का कौन सा है, बैटरी का कौन सा है, वो पढ़ करके आप लगा देंगे। देखिए जहाँ बैटरी का पॉइंट है वहाँ बैटरी का लगाएंगे, जहाँ फैन का है वहाँ फैन का लगाएंगे, और जहाँ सोलर का है वहाँ सोलर का लगा देंगे। सब वो पीसी बोर्ड पे लिखा हुआ रहता है, आप लोग पढ़ करके लगा सकते हैं। इसमें कोई परेशानी नहीं है, कोई भी केबल हो उस पर लिखा हुआ रहता है, उसी हिसाब से आप लगा देंगे। देखिए इसको हम कस रहे हैं और कसने के बाद आप लोगों को हम दिखाएंगे कि ये मेरा जो डीसी फैन है ये चल रहा है या नहीं। लाइट का प्रॉब्लम होने की वजह से लोग डीसी फैन लेते हैं, और ये डीसी फैन का काम ये है, जो आपको लाइट हो ना हो आप सोलर से भी इसको चार्ज कर सकते हैं। घर में हो तो ये छोटा सा प्रॉब्लम आता है, इसको आप अपने घर में खोल करके रिपेयर कर सकते हैं, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। आप लोग इस वीडियो को देख करके समझ सकते हैं जो क्या प्रॉब्लम फैन में आता है और क्या नहीं। आप लोग बार बार इस वीडियो को देखिए और देखने के बाद आप लोग खुद से बना सकते हैं। अगर नहीं बनाए तो हमको कमेंट करके ज़रूर बताइए जो क्या समस्या है, क्यों नहीं बन रहा है। आप हमको कमेंट कीजिएगा तो उसका वीडियो बना करके हम आपको डाल देंगे यूट्यूब पे, आप लोग देख करके बना सकते हैं। देखिए मेरा फैन चलने लगा, और चलने लगा ये मेरा फैन, देखिए।